मैनेजर ने स्वरा पर लगाया चोरी का इल्जाम, वेदांत ने मैनेजर को लगाया थप्पड़। जी हां, कलर्स टीवी के मोस्ट पॉपुलर शो सुहागन के एपिसोड में आप देखेंगे कि कैसे रुद्र के कहने पर वेदांत और स्वरा ऑफिस जा रहे होंगे, लेकिन स्वरा एक शॉप से खरीदारी करेगी। इस दौरान मैनेजर को ऐसा लगेगा कि स्वरा ने उनके दुकान से चोरी की है, जिसके कारण वो स्वरा को बातें सुनाते नजर आएंगे, उनकी बेइज्जती करेंगे। लेकिन तभी वहां पर आ पहुंचेंगे वेदांत, जब वेदांत सबकी गलतफहमियों को दूर करेंगे, बताएंगे कि स्वरा को किसी भी चीज को चोरी करने की कोई जरूरत नहीं, अभी तो उन्हें गलतफहमी हुई है। लेकिन मैनेजर के बदतमीजी करने पर वेदांत मैनेजर को लगाएंगे थप्पड़ और तभी सबके सामने सच का खुलासा होगा कि किस तरह दुकान से कोई भी चीज गायब नहीं हुई है, अभी तो उसे एक कस्टमर की रिक्वेस्ट पर पैक करवाया जा रहा था। ऐसे में वेदांत उस शख्स से अपने पैसे भी वापस ले लेंगे, जबकि दूसरी तरफ रुद्र यानी कि वेदांत के पिता ध्वनि को पैसे और चेक देते हुए ये कहते नजर आएंगे कि वो उनके बेटे की जिंदगी से दूर चली जाए। लेकिन ध्वनि रुद्र के इस ऑफर को ठुकरा देंगी, जबकि रुद्र यानी कि वेदांत के पिता स्वरा के दादाजी को ये बात कहेंगे, जिसके कारण आप देखेंगे कि कैसे दोनों परिवार काफी ज्यादा परेशान नजर आएंगे। लेकिन दूसरी ही तरफ स्वरा के साथ हुए हादसे के बारे में जानकर वेदांत का परिवार होगा परेशान। लेकिन तभी वहाँ पर साइन लैंग्वेज सिखाने वाला वो टीचर आ पहुँचेगा, जो बताएगा कि स्वरा ने खुद से ही ये साइन बनाए हैं और इसीलिए वो किसी को इसके बारे में नहीं सिखा सकते, जिससे फिर एक बार टूट जाएगा स्वरा का दिल। टेलीविजन से जुड़ी इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट एंड गॉसिप के लिए हमारे चैनल पर नजर रखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें।